हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ओपन करने वाले हैं अपना फर्स्ट एक्शन कैमरा, जो कि हमने अभी 4-5 दिन पहले ही अमेजोन से बाय किया है और फाइनली ये आज हमें मिल गया है। तो चलिए मैं आज इसको आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा कैमरा है जो कि हमें मिल जाता है और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो प्रॉपर एक अनबॉक्सिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पर, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो गाइस, इस चैनल पे आपको इसी तरह का कंटेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि बाइक्स वगैरह के बारे में, मोटो व्लॉगिंग के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी गैजेट वगैरह यूज होते हैं उन सब के बारे में। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ये पिन्नी ऊपर से पैकिंग है ना, इसको छुटा लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस, इस बॉक्स के अंदर से निकलता है इजी वन का ये एक बॉक्स। तो गाइज, ये एक इसका कुछ ऐसा बैग दिया हुआ है जिसको कैरी करना काफ़ी इजी हो जाता है। ये देखो, आप इसको ऐसे लेके जा सकते हैं और अगर आप टूर वगैरह पे जा रहे हैं तो सारी एसेसरीज आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ज़्यादातर एक्शन कैमराज के साथ में इस तरह का बॉक्स जो है वो आता है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो भाई, आप देख सकते हैं कितनी सारी एसेसरीज जो है वो इसके अंदर रखी हुई है। तो एक एक करके हम इसको निकालेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले अपना जो मेन पार्ट है इसको निकाल लेते हैं। तो भाई, ये है कुछ इस तरह दिखने वाला अपना मेन एक्शन कैमरा। और ये जो केस है, ये वाटरप्रूफिंग वाला केस है, इसको हम रखते हैं साइड में क्योंकि इसकी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिल जाती है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें ये एक एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है, जो कि 1350 mAh की बैटरी है और एक बैटरी हमें उसके अंदर लगी हुई मिलेगी। तो टोटल इसके साथ में दो बैटरी हमें मिल जाती है, जिससे कि हमें अच्छा खासा बैकअप जो है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ माउंट दिए गए हैं जिससे कि आप अपने कैमरे को माउंट कर सकते हैं, हेलमेट पे करो या कहीं भी, ये चीज़ें आपको ज़रूर से काम आने वाली हैं। इसके बाद में एक एक्स्ट्रा और माउंट है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसके साथ में हमें एसेसरीज जो है वो काफ़ी सारी मिल जाती है, जबकि GoPro के साथ में हमें बहुत लिमिटेड एसेसरीज मिलती हैं और बाकी उसकी एसेसरीज जो है बहुत महंगी आती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर ये क्या है। तो गाइज, ये कुछ इसको माउंट करने के लिए दिए गए हैं, इसको आप अपने हेलमेट पर लगा सकते हैं। तो ये दो दिए गए हैं, जिससे कि एक तो बिल्कुल फ्लैट है और ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा आपको कर्व देखने के लिए मिल सकता है। वो इसलिए कि आपका अगर हेलमेट का वो हिस्सा जहाँ पर हम अपना कैमरा माउंट करते हैं वो अगर बिल्कुल फ्लैट है तो वहाँ पर आप ये वाला माउंट कर सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा सा कर्व में है तो आप इस वाले को माउंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें हमें दो दो एक साथ में मिल जाते हैं। गाइज, अब बात करते हैं इसकी, ये है। अब जैसे कि हम अपने हेलमेट के ऊपर इसको लगा लेंगे तो फिर इसके अंदर हमारा जो कैमरा है वो माउंट होगा और ये हमारे हेलमेट पर इस तरह इसके अंदर लग जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसे लगने के बाद में फिर ये उस पर लग जाएगा और यहाँ अपना कैमरा जो है वो लग जाएगा। ये एक और इसके माउंट करने वाला जो स्क्रू है ये है, एक ये स्क्रू दिया गया है, ये मेरे ख्याल में उस पर होगा, जैसे कि आप ट्राईपोर्ड वगैरह पे अगर इसको माउंट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक एसेसरीज आपको मिल जाती है, जैसे कि आप इसको बाइक्स वगैरह के हैंडल वगैरह पे अगर माउंट करना चाहते हैं तो ये वाला माउंट जो है आपका ये काम आएगा वहाँ पर। बात करें गाइस इसकी, तो ये हमारी मोटो व्लॉगिंग में काम आने वाला है और ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि भाई बाइक पे हम इसको इस तरह माउंट नहीं कर सकते हैं। बाइक पे माउंट करने के लिए हमें इसे लगाना पड़ेगा, और अगर हम किसी बारिश के एरिया में कर रहे हैं जहाँ पर बारिश पड़ रही है तो फिर हमें ये वाला केस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत हैवी हो जाता है। तो इसके अंदर जब हम इसको लगाएंगे तो ये बहुत लाइट वेट होगा और ईजिली माउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ ऊपर की तरफ क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दो माउंट जो है हेलमेट वाले फिर से मिल गए हैं, तो हमारे पास टोटल ये चार हो गए हैं। तो काफ़ी भर भर के ऐसी सीरीज जो है वो इसके साथ में मिली हुई है। और ये जो चीज़ है, ये एक एक्स्ट्रा ढक्कन दिया हुआ है, ये किसका है, ये इसका है। किसी वजह से अगर आपका ये टूट जाता है तो आपको एक एक्स्ट्रा मिला हुआ है, इसको आप यूज़ कर पाएंगे। एक हमें यहाँ पर केबल मिल जाती है जो कि USB 2 माइक्रो USB है, ये इसको चार्ज करने के लिए, और इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर आता है जो कि अलग से आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अपना जो एक्शन कैमरा है उसको चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ बैटरी उस चार्जर के अंदर लगा देंगे, या फिर फ्यूचर में आप अगर बैटरी थोड़ी ज़्यादा रखना चाहें, एक दो बैटरी और मंगाना चाहते हैं तो वो चार्जर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो उस चार्जर को भी मैं मंगाऊंगा, आपको जल्दी ही दिखा दूंगा मैं। फिलहाल अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा बैटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात करें इनकी, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रैप वगैरह दिए गए हैं जिससे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कलाई पर बांधने के लिए, या फिर कहीं पर भी ये इस तरह के कुछ स्ट्रैप्स हैं जिसके अंदर आप अपने कैमरे को माउंट कर पाएंगे। जैसे कि मुझे हाथ पे अगर बांधना होगा तो मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर माइक्रो फैब्रिक जो है एक क्लॉथ दिया हुआ है,
और इससे हम अपने कैमरा को साफ वगैरह कर सकते हैं। उसका लेंस ये जो फैब्रिक है बहुत अच्छा होता है। एक चीज ये इसमें दी गई है, ये भी कहीं ना कहीं इसको माउंट करने के लिए जरूर से यूज की जाती होगी। अभी फिलहाल मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो गाइस इसके बाद हमें यहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है जिसके जरिए हम यहाँ पर इसका जो एक ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले बार कोड को स्कैन करने के बाद में। और यहाँ पर हमें कुछ चीजें दिखाई गई है रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम अगर पीसी पे ये वाला ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे तो पीसी के लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है वो इसके ऊपर लिखी हुई है। एक्सटर्नल माइक सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है एक माइक्रो यूएसबी 2 3.5 mm फीमेल जैक और 4 smooth 5K मीडिया प्लेबैक। यूज द सपोर्टेड एनवायरमेंट सॉफ्टवेयर वीएलसी मीडिया प्लेयर या फिर केएम प्लेयर। तो बेसिकली इसकी कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी गई हैं। सपोर्टेड एसडी कार्ड यहां पर लिखा हुआ है 8 GB से लेकर शायद 256 GB तक ये सपोर्ट करता है और इसके अंदर U3 वाला कार्ड जो है वो हमें लगाना है। तो ये कुछ डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई हैं। बाकी बात करें तो इसके अंदर हमें जो है ये यूजर मैनुअल है जिसकी हमें कोई जरूरत होती नहीं है। वैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी एसेसरी जो है वो हमें इसके साथ में मिल जाती है। अब बात करें वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इसके साथ में नहीं मिलती है और वो होनी चाहिए एक एक्शन बजट कैमरा के अंदर, तो वो है एक तो इसकी बैटरी का चार्जर। इसकी बैटरी का जो एक्सटर्नल चार्जर है वो इसके साथ में होना चाहिए था क्योंकि भाई कैश ऑन के साथ में वो आता है। और एक इसके अंदर माइक भी ज़रूर होना चाहिए था, या फिर अगर इनको माइक नहीं देना था तो एक कन्वर्टर जो है वो दे देते, क्योंकि भाई ऑनलाइन जो है वो काफ़ी महंगा मिलता है और ऑफलाइन अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। अभी जल्दी मैं ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए एसडी कार्ड भी ख़रीदना है और मैं वो वाला जो माइक का अडेप्टर है वो भी लेके आऊँगा। तो उस कन्वर्टर को भी खरीद के मैं आपको बताऊंगा कितने का हमें मिला है। ऑनलाइन तो भाई बहुत महंगा मिल रहा है, 600-700 ऐसे रुपए में वो हमें डाल रखा है अमेज़ॉन पे, तो इतना महंगा तो मैं नहीं खरीदने वाला। बाकी इसकी जो टेस्टिंग है उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके इंटरनल माइक से आपको कैसे साउंड क्वालिटी जो है वो मिल जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं अपने मैन हीरो की। तो ये है अपना कैमरा और इसका जो ये केस है इसको खोलने के लिए हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करने के बाद में इसको ऐसे करके पीछे कर देंगे और फिर यहाँ से जो इसका ये ढक्कन है ये खुल जाएगा और इसके बाद में हम अपना जो कैमरा है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का मजबूत एक केस हमें इसके साथ में मिल जाता है। इसके साथ में ये वाटरप्रूफ हो जाता है, आप पानी में भी इसको लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर आपको बारिश में भी मोटो व्लॉगिंग करनी है तो आप इसके साथ में कर सकते हैं। बाकी आप अगर वैसे नॉर्मली करेंगे तो आपको सिर्फ ये लगाने की ज़रूरत होगी और इसके साथ में मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको इसके अंदर इसको लगाना पड़ेगा। तो गाइज जैसे कि कैसोन C6 आता है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी एसेसरी जो है इससे एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे कि चार्जर साथ में मिल जाता है, माइक साथ में मिल जाता है। तो फिर भी मैंने इसको क्यों ख़रीदा है, तो वो मैंने इसलिए ख़रीदा है कि एक तो इसके अंदर थोड़ी स्पेसिफिकेशन जो है फालतू है, जैसे कि इसमें 5K भी है उसके अंदर सिर्फ 4K आता है और इसके अंदर जो है 48 megapixel का इसका लेंस है जिसके अंदर हम तगड़ी वाली 5K वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके अंदर इतना तगड़ा कैमरा जो है वो नहीं आता है। बाकी इनकी क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुझे मेन चीज़ जो है वो इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा था और ये एक छोटा सा लगता है और हालांकि बहुत हद तक ये GoPro की तरह लगता है देखने में, इसी वजह से मैंने इसको मंगाया है। तो चलिए गाइज अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए मोड वाला जो बटन है इसको हमें लॉन्ग प्रेस करना होगा, तो चलिए इसको अब ऑन करते हैं। और देखिए अपना जो कैमरा है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी जो इसकी हमें देखो क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है वो थोड़ी सी इसलिए गंदी मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक पिन्नी लगी हुई है जिसकी वजह से हमें इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अजीब सी देखने के लिए मिल रही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और फिर देखेंगे कि इसका लेंस जो है वो किस तरह की रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकता है। तो देखिए कितना चमचमा रहा है इसका लेंस। तो अभी अगर हम देखेंगे तो देखिए कितनी मस्त क्वालिटी में हमें ये दिख रहा है। और इसकी ये वाली जो पिन्नी है पीछे वाली ये मैं बाद में हटाने वाला हूँ जिससे कि मैं इसके ऊपर लेमिनेशन कराऊंगा तो तब मुझे ये हटानी होगी, नहीं तो अगर इसके ऊपर स्क्रैच आ गई तो भाई फिर थोड़ा सा मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। बाकी इसकी जो स्क्रीन है वो टच मिल जाती है हमें। तो गाइज अभी इसकी बैक वाली जो स्क्रीन है वो इस टाइम पे चालू है। तो इसके साइड में दो बटन दिए गए हैं, एक आप एक डाउन, तो डाउन वाले को अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये वाली जो हमारी स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी और फिर फ्रंट में हमें स्क्रीन जो है वो दिखाई देने लगेगी। तो अभी इसका सैंपल तो अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर एसडी कार्ड नहीं है, तो हम फटाफट से इसके अंदर एसडी कार्ड डालेंगे और फिर इसके बाद आपको इसकी क्वालिटी दिखाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे भी ये काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर जो इसका सैंपल देखने के लिए मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है।
बाकी अब ये था इसका कुछ ओवरव्यू, तो इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ अनबॉक्सिंग रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो इसके यहाँ पर ये टेक्सचर सा दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है इसका एक स्पीकर, जो कि इसके अंदर हम वीडियो वगैरह देखेंगे तो वो हमें अच्छे से सुनाई पड़ेगा कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर ये कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसके अंदर हमारी जो बैटरी है वो लग जाती है, इसको आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। ये आपकी बैटरी बाहर आ गई और फिर आप दूसरी बैटरी जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इस वाली बैटरी को ही लगे रहने देंगे और इसको हम बंद कर देंगे। तो गाइस इसके लेंस पे कोई लैमिनेशन वगैरह नहीं करानी मेरे को, क्योंकि अच्छी क्लियरिटी लेनी है मुझे इससे, और बाकी जो स्क्रीन के ऊपर है वो करवा लेंगे अभी, क्योंकि इस पर यहाँ पर IZ लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा देखने में। तो इसके अंदर बाकी लैमिनेशन वगैरह करा के ये सब कुछ फिट होने वाला है। तो गाइस ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इसकी अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी, और इसका रिजल्ट वाली जो वीडियो है वो मैं आपको जल्दी से लेकर आऊँगा, और इसके साथ में हम मोटो व्लॉगिंग भी करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो आने वाली हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।